नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट ने राजस्थान को विशेष दर्जा ना मिला हो, लेकिन इस बजट ने अजमेर वासियों के हेरिटेज सपने को पूरा कर दिया। जरा देखिए, विश्व पटल पर अजमेर की पहचान धार्मिक नगरी के रूप में है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और विश्व का इकलौता ब्रह्मा मंदिर सभी की आस्था का केंद्र रहा है। गौरवशाली इतिहास का प्रतीक चौहान वंश का गढ़ बिठली किला और मुगल बादशाहों के वैभव और स्थापत्य कला को दर्शाने वाली कई इमारतें यहां मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर ने कभी अपेक्षित विकास की रफ्तार नहीं पकड़ी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर इसके सपनों को पंख लगा दिए हैं। बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही अच्छी बात है अगर अजमेर को हेरिटेज सिटी घोषित की गई है। अजमेर में ख्वाजा साहब की नगरी अजमेर है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और भी बहुत सारी चीज़ें अजमेर में हैं। इसमें बहुत सारे अवसर हैं, बहुत अच्छे अवसर हैं इसको हेरिटेज सिटी पर्यटन की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से, जो आने वाली पीढ़ियाँ उसी दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत अच्छी बात है अगर इसको बनाया जाता है और इसमें बहुत ही विकास के अवसर है। हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलने से विकास, संरक्षण, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कई बार सपने टूटने के बाद अब सिटी राइट्स को इसके साकार होने की उम्मीद है। हेरिटेज की सिटी बनाने की घोषणा की गई है तो इस पर अमल होना चाहिए, सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि सुविधाएं मिलनी चाहिए अजमेर को। आज DRM ऑफिस है वो अपने आप में एक हेरिटेज है, कोऑपरेटिव बैंक की जो बिल्डिंग है वो अपने आप में हेरिटेज है, तो अजमेर तो हेरिटेज है ही। घोषणा होने में देर हुई लेकिन जब आज भी घोषणा हुई है तो खुशी की बात है। यहाँ सुविधा होनी चाहिए, आम जनता, देश दुनिया से लोग आने चाहिए और अजमेर का महत्व बनना चाहिए। मोदी सरकार के पहले बजट में राजस्थान की हृदय स्थली कहे जाने वाले अजमेर को नई सौगात मिली है। बजट में अजमेर को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है। इस बजट घोषणा के बाद अजमेर में खुशी की लहर है। वहीं अजमेर की जो प्राचीन और स्थल हैं, स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनको संरक्षण मिलेगा। वहीं इसके अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अजमेर में नए रोजगार के आयाम भी स्थापित होंगे। कैमरामैन पीयूष गोयल के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।